इमाम ईमान दीदार नसीब करे। अलामरिया तरीका बोर्ड के अलवास राय कमालुद्दीन अली मोहम्मद जमात को वास का फेस पहुँचाएंगे। खाना वाला दारो सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़र इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दिनदारो खिदमतगारों की इस रूहानी मजलिस में आज हम शामिल हुए हैं और जहां हम खिदमतगारों की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए अपने मजहबी काम अंजाम देते हैं, इस मौके पर इमाम ज़मान किस तरह अपनी दुआ व बरकात से और अपनी रहमत से खिदमतगारों को नवाज, उस हवाले से आज कुछ बात करेंगे। पिछले दिनों प्लेटिनम जमात खाने में खिदमतगारों की एक रूहानी मजलिस थी और उस मौके पर चंद खिदमतगारों की खिदमात और उस हवाले से उन खिदमात को ज़माने के इमाम ने किस तरह सराहा और किस तरह अपने दुआ व बरकात से नवाजा, उस सिलसिले में कुछ बातें मैंने अर्ज़ की थी। जो बातें मैंने वहाँ अर्ज़ की थी वो जंजीबार के जमात खाने की तामीर की खिदमत के हवाले से वारिस कासम दामानी की खिदमात का ज़िक्र था और उसी हवाले में और बहुत सारे बुज़ुर्गों का ज़िक्र आता है, लेकिन उस वक्त अपने वाज के महदूद वक्त में सिर्फ़ वारिस कासम दामानी के हवाले से कुछ बात हो सकी थी। आज मैं उस सिलसिले को जारी रखते हुए बाज़ और बुज़ुर्गान दीन की खिदमात की बात करूँगा कि जिनकी अनोखी खिदमात को सराहते हुए ज़माने के इमाम ने किस तरह उनकी खिदमत के लिए दुआ व बरकात दी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि शाज़ो नादिर रेयरली कभी कभी हमें ज़माने के इमाम के ऐसे इरशादात और ऐसे फरामीन सुनने मिलते हैं कि जिसमें मौला दिल खोल के इन बुज़ुर्गान दीन की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और सारी जमात के वास्ते उनकी खिदमत को सराहते हैं। मेरे ख्याल से आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है या मैं ये महसूस करता हूं कि आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो जिन बुज़ुर्गान का आज मैं तस्करा करना चाहता हूँ इनका ताल्लुक़ भी वैसे जंजीबार से है। इनमें सबसे पहले दो ऐसे भाई हैं जिनका ज़िक्र फरामीन में भी आया है, उनमें से एक भाई जंजीबार में हैं और उनके दूसरे भाई हिंदुस्तान में है, बॉम्बे में है, और इन दोनों ने अपने अपने इलाके में ज़माने के इमाम की बहुत शानदार खिदमात अंजाम दी। और जब मौला बॉम्बे जाते हैं तो उनको याद करते हैं और जब जंजीबार जाते हैं तो दूसरे भाई को याद करते हैं, और जिस तरह मौला उनकी खिदमात को सराहते हैं उनका बहुत ही एक अनोखा अंदाज है। उनमें से एक भाई वारिस साले मोहम्मद कासमानी है और जो अफ्रीका में थे, और उनके भाई
कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी। आप में से बहुतों ने फरमान के हवाले से कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी का जिक्र सुना हो, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, या खास तौर पर अगर चांदरात के पंजे भाई और पंजे बहनों की बुनियाद रखने वाला जो फरमान है 1894, 4 फरवरी 1894 जब बॉम्बे में चांदरात पंजे भाई और पंजे बहनों की बुनियाद पड़ी थी, उसका जो फरमान पहले हम पढ़ते थे, बचपन से मुझे याद है, उस फरमान के आगाज में एक इंट्रोडक्शन था कि हसनाबाद में मुखी लाडक भाई हाजी अने कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी ना वक्त में रविवार ना पंजे भाइयों ने मीटिंग में पधारी पोताना मुख मुबारक थी फरमाव्यू आ फरमान सर्वे जमात, जो आगे फरमान जाता है। तो हसनाबाद में मुखी लाडक भाई हाजी और कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी, ये दोनों बहुत तारीखी शख्सियत थी, और उनके भाई वारिस रहमतुल्ला हेमाणी, सालिम मोहम्मद कासमाणी, और उनके साथ वारिस रहमतुल्ला हेमाणी भी थे, उनकी खिदमात को मौला ने सराहा। कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी की खिदमात इतनी शानदार थी कि न सिर्फ जमात में, गैर इस्माइलियों ने भी जब अपनी किताबें लिखी हैं, नौरोजी दुमासिया ने अपनी किताब मौला के वास्ते लिखी है, उसमें कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी का जिक्र किया है कि वो जमात में इस्माइलियों के दरमियान, ये एक पारसी लिख रहा है कि इस्माइलियों के दरमियान इस्माइल भाई कासमाणी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे खिदमत गुजार है जिस पर इस्माइली कौम को बजा तौर पे नाज करना चाहिए। जब बाहर वाले ऐसी बात करते हैं और जब उनकी तारीफ होती है तो जमाने के इमाम भी उन पर क्यों नाज न करे। तो 1899 में 16 सितंबर 1899 को मौला ने जांजीबार में अपने दो बुजुर्गों को याद करके फरमाया कि वारिस साले की इज्जत तो एहतराम करना। सबसे बड़ी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप देखें ये कैसे खुशकिस्मत बुजुर्गान थे कि जिनको इमाम जमान के ऐसे आला नवाजिशात और ऐसे आला ख्यालात से उनको नवाजने का मौका उन्हें हासिल हुआ। वारिस साले की इज्जत तो एहतराम करना आप सबका फर्ज है, कोई उनका दिल न दुखाए, इसमें बड़ा गुनाह है, आपको भी गुनाह होगा और हमें भी पसंद नहीं आएगा। आप देखिए किसी खिदमतगार के लिए मौला फरमाते हैं कि उनका दिल दुखाओगे तो तुमको गुनाह होगा, हमको भी पसंद नहीं आएगा, आपको गुनाह होगा। उन्हें कोई बुरा कहे या उन्हें कोई दुख हो, ऐसा कोई काम ना करना, उनकी इज्जत तो एहतराम करना। वो अफ्रीका पर वजीर है, उस जमाने में वजीर या एतमादी टाइटल्स नहीं होते जिस तरह आज वो टाइटल्स हैं, उस जमाने में वजीर डेजिग्नेशन होता था, मनसब होता था, भाई कच्छ का वजीर, काठियावाड़ का वजीर, जूनागढ़ का वजीर, यानी इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, ये इंडिविजुअल्स अपने अंदर इंस्टीट्यूशन थे। तो अफ्रीका का वजीर, जंगबार का वजीर, यानी कच्छ का कोई काम करना है तो वारिस को पूछो, काठियावाड़ का काम करना है तो काठियावाड़ के, यानी लिटरली ये लोग इमाम के मिनिस्टर्स थे, जिन पर एक दीवान होता था जो प्राइम मिनिस्टर होता था, और जमाने के इमाम उनका बादशाह होते थे। तो मौला ने फरमाया कि वो अफ्रीका पर वजीर हैं, उनके भाई कामड़िया इस्माइल भी बहुत अजीम है, जांजीबार में फरमा रहे हैं उनके भाई जो इंडिया में बॉम्बे में 15,000 इस्माइलियों में बड़े हैं, जो उस वक्त बॉम्बे की आबादी थी इस्माइलियों की, बॉम्बे की जमात में बड़े हैं। पर आप देखें मौला कितनी कॉन्फिडेंशियल बातें जमात के साथ शेयर करते हैं। आज उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, वो जमाना था कि मौला ने शेयर किया, आज मौला शेयर करेंगे तो शायद कोई और तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन कितना मौला ने दिल खोला है जमात के सामने कि हमारी जमात के सब कागजात उनके पास जाते हैं, हमारी जमात के सब कागजात उनके पास जाते हैं, आपको तालिका कौन भेजता है? मौला फरमाते हैं जमात को, आपको तालिका कौन भेजता है? पहली मोहर उनकी होती है,
पहली मोहर उनकी होती है, जब तक उनकी मोहर ना हो तब तक हम मोहर नहीं लगाते। इमाम का ट्रस्ट एंड इमाम का कॉन्फिडेंस खिदमतगारों पे कितना है कि जब तक उनकी मोहर नहीं लगती हम मोहर नहीं लगाते। वारिस साले उनके भाई है, उनकी इज्जत करना। 1905 में जांजिबार के जमात में जब मौला ने अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का ऐलान फरमाया, पढ़ के सुनाया गया, उसके बाद मौला ने फरमाया कि हमारे दो वजीर यानी वजीर रहमतुल्ला हेमाणी और वजीर साले मोहम्मद कासमाणी हमारी तरफ से जज हैं। वो हमारे दोनों हाथ हैं, हमारे दायां और बायां हाथ हैं। आप पूरी जमात उनकी इज्जत करना और उनका एहतराम करना। वो इस्माइली कौम के सरदार हैं, वो दोनों हमारी तरफ से बैठे हैं। उनकी इज्जत करना, उनके हुक्म के तहत रखना। हमारी तरफ से वो चीफ हैं यानी बड़े वकील हैं, क्योंकि दोनों ने हमारी बहुत खिदमत की है। दोनों बूढ़े और ज़ईफ होने के बावजूद दिन रात हमारी खिदमत करते हैं, इसलिए हम उनके सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मौला बहुत जवान साल थे, 1905 में मौला बिल्कुल भर जवानी में जिस्मानी तौर पे मौला की उम्र थी, और ये बुजुर्ग मौला के सामने इतनी आजिज़ी से, इनकसारी से और हलीमी से काम करते। आम तौर पर भी कोई बुजुर्ग अगर नौजवान की खिदमत करता है तो वो कैसा महसूस करेगा। जमाने के इमाम उनके लिए ऐसे इज्जत और एहतराम का इजहार फरमाते हैं कि इतने बड़े ज़ईफ और बुजुर्ग होने के बावजूद मेरे सामने इस तरह खिदमत करते हैं। गुजराती के अल्फाज यही है फरमान के बुक में, तेथी अमो तेवो अगर शर्मिंदा छिए। कोई बेहतर तर्जुमा मुझे भी नहीं मिला इसका, यानी मुझे भी अजीब सा महसूस होता है कि ये लोग हमारे सामने इस तरह खिदमत अंजाम देते हैं। वारिस रहमतुल्ला हेमाणी के लिए मौला ने अलग से एक फरमान फरमाया, हम आप सबसे एक बात चाहते हैं, और वो ये है कि वारिस रहमतुल्ला हेमाणी की बहुत ही इज्जत और एहतराम रखना, पूरी जमात उनकी इज्जत और एहतराम बरकरार रखे। वारिस रहमतुल्ला हेमाणी 3 जामे से पहला कदीम वारिस है। आज भी हाजिर इमाम खिदमतगारों को देखते हैं तो जनरेशन्स को याद करते हैं कि आप कई जनरेशन से हमारी खिदमत अंजाम देते हैं, या आप में ऐसे लोग मौजूद हैं मौला ने फरमाया जो कई नस्लों से जमाने के इमाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो एक यूनिक पर्सनालिटी मौला के सामने थी, जो मौला फरमाते हैं कि 3 जामे से बड़ा कदीम वारिस है जो मेरी खिदमत में आज हाजिर है। पहले मौलाना शाह हसन अली शाह के वक्त में भी वारिस थे, क्योंकि इमाम अली शाह के इमामत का जमाना 4 साल था और मौला की जवानी का उम्र है। तो 3 जामे में खिदमत करने का एजाज हासिल होना वारिस की हैसियत से ये बहुत ही रेयर एजाज है, और मौला खुद उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले मौलाना शाह हसन अली शाह के वक्त में वारिस थे, फिर मौलाना आगा अली शाह के वक्त में वारिस थे, और अब हाजिर जामे के वक्त भी वो वारिस हैं। 15 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं, 15 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं। उनकी इज्जत एहतराम और हुर्मत रखना, ऐसा ना हो कि उनके लिए आपकी जबान से एक भी बुरा लफ्ज निकले, हम आपसे तमन्ना रखते हैं कि जिस तरह हम उन्हें दोस्त रखते हैं इसी तरह आप भी उन्हें दोस्त रखें। जंजीबार और अफ्रीका में हर जगह पहले वजीर रहमतुल्ला हेमाणी है, साले मोहम्मद कासमाणी, इस्माइल कासमाणी और रहमतुल्ला हेमाणी। उसके बाद 1914 में वारिस साले मोहम्मद कासमाणी की वफात हो चुकी थी, मौला ने उसके ख़ानदान का ख्याल रखने का फरमान फरमाया। ये 1914 में जब मौला की विजिट हुई जांजीबार में तो मौला ने फरमाया, आज मरहूम साले मोहम्मद कासमाणी की सखावत से होने वाला हफ्तवार खाना है।
मैंने पिछले वाज में भी अर्ज किया था, कासम दामाणी ने जंजीबार का जमात खाना बना के दिया था, तो मौला ने जमात को फरमान किया था तख्ती पे लिखना, तख्ती पे लिखना कि जो भी जमात खाने में दाखिल हो वो आके पहले एक तस्बीह कासम दामाणी की रूह को याद करके पढ़े और इसका सवाब उसको बख्शे। ऐसा एजाज किसको मिलता है? सबको नहीं मिलता, रेयर होता है, लेकिन जो खिदमत करता है मेवा हासिल करता है, फैज हासिल करता है। साले मोहम्मद कासमाणी को भी मौला ने ऐसा ही एक एजाज दिया था। आज मरहूम साले मोहम्मद कासमाणी की सखावत से होने वाला हफ्तवार खाना है, उनकी इतनी सखावत थी कि हर हफ्ते वहां जमात के लिए खाना होता था। हम सब जमात को फरमान करते हैं कि जब आप खाने के लिए बैठें तो पहले लुकमे पर या अली मदद का नाम लेकर, पहले लुकमे में या अली मदद का नाम लेकर उसका सवाब मरहूम साले मोहम्मद कासमाणी को बख्शना और आज से ये तरीका अमल में लाना, यानी हर हफ्ते में जब भी आप खाने के लिए उनकी याद में खाने के लिए बैठें तो पहले लुकमे पे अली का नाम ले और इसका सवाब मरहूम को जाए, और वो सदकाए जारिया है। आप सोचिए कितना सवाब और कितनी रहमत मौला बख्शते हैं। बाद में उनकी मेहमानी में मौला ने फरमाया कि वारिस साले मोहम्मद कासमाणी जहां से यानि जिस दरिया से आए थे वापस उसी दरिया में जाके मिल गए हैं, यानि हमारे हुजूर में पहुंच गए हैं। शंबा यानी शनिचर को ये खाना होता था वहां। शंबा के खाने के लिए जब आप जमात खाने में आए उस वक्त वारिस साले मोहम्मद को याद करना और पीर शाह या अली का नाम लेना, उसका फायदा उसका सवाब वारिस की रूह को पहुंचेगा। मरहूम वारिस के भाई कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी बंबई जमात की बहुत खिदमत करते थे। 10 साल तक काउंसिल नहीं थी और मुख्य लाडक भाई भी बहुत ज़ईफ हो गए थे, इसके बावजूद वो तमाम काम खुद करते थे। उनका नाम भी इस्माइल था और उनका काम भी इस्माइली को जेब दे ऐसा था। उसका नाम भी इस्माइल था और काम भी ऐसा था कि जो एक इस्माइली को करना चाहिए। आप भी उनको याद करके खिदमत करें। वारिस साले मोहम्मद के लिए मौला ने बाद में और भी फरामीन फरमाए थे। कराची में मौला तशरीफ़ लाए उस वक्त मौला ने एक फरमान फरमाते हुए फरमाया था कि वो जिस तरह दरिया समंदर में जाके मिल जाता है, इस तरह वो ज़माने के इमाम के नूर के अंदर मिल गया है। एक और बुज़ुर्ग हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ, इनका ताल्लुक बॉम्बे से हैं, मुखी मेघ जी मूल जी, और इनके बारे में थोड़ी सी गलत फहमी है जो मैं आज थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। यानि ये ऐसी शख्सियतें हैं जिनको कुछ ख़ास नवाजिशात इमाम की तरफ से हुई थी, और इनके वाक़े में जो हम अनंत अखाड़ों में पढ़ते हैं कि एका ने मारे शाह, एका ने तारे ने, एका ने अली वर आले, इनको एक वर दिया गया था, इनको मौला ने एक जबान दी, एक वचन दिया था, और वो वचन मौला ने कैसा निभाया वो एक तारीखी वाकया है, तहरीरी तौर पर हर एक की जबान पर है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता, और इनको याद करना चाहिए क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी तारीख की जिंदा मिसालें हैं जिन्हें सुनकर हम अपने दिलों को, अपने ईमान को और अपनी रूहों को ताजगी बख्शते हैं। 1861 में कच्छ भद्रेसर में मुखी मेघजी मूल जी की पैदाइश हुई। छोटी उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो रोजगार के वास्ते बॉम्बे आए हैं, और एक चने की दुकान में 2 रुपया महीने के तनख्वाह पे काम शुरू किया। चने की दुकान में 2 रुपया महीने की उसकी तनख्वाह थी, उससे काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इमाम शाह हसन अली शाह सलवातुल्लाह अलैही के ज़माने में उन्होंने एक दफ़ा 1 रुपये का आम खरीदा और अपने मालिक को साथ में लिया, जो उनका बॉस था उनको साथ में लिया, और बांद्रा में
इमाम की जहां रिहाइश थी वहां बांद्रा में मौला के हुजूर में गए और वो आम की मेहमानी मौला के हुजूर में पेश की। मौला के हुजूर में खातून काम किया करती थी, सोनबाई उसका नाम था। सोनबाई को मौला ने फरमाया कि ये जो आम इतने सारे लेकर आया है इसमें से एक आम इसको देना। और मौला ने अपने घर में से एक तंदूर की रोटी और थोड़ा सा जर्दा उसको दिया कि ये तुम्हारे बरकत के वास्ते है। और देखो आज शाम को डांडा जमात खाने में हमारा दीदार है, तुम वहां भी आना। ये जो आम की मेहमानी का किस्सा है वो ये है। जमात में एक और किस्सा गर्दिश करता है कि वो अपनी बीवी के साथ वालकेश्वर के बंगले में फटे पुराने रूमाल में आम लेकर गए थे और वॉलंटियर ने बार बार उसको धक्का मार के निकाल दिया और अंदर नहीं घुसने दिया। अचानक मौला ने फरमाया मुझे आम की आइसक्रीम खानी है, तो कहा भाई आम किधर है? इमाम ने फरमाया देखो वो दो आदमी नीचे खड़े मियाँ बीवी, उनके पास आम है। उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये मुखी मेघजी मुलजी की अपनी जिंदगी में उनकी जो सवाने उम्र लिखी गई है, और आप अगर उनकी उम्र को भी मुआजना करेंगे को तो पिछले जामे में उनकी उम्र बोल के मौला के पिछले जामे में तो वो मुखी भी बन चुके थे और काफ़ी खिदमत में आगे निकल गए थे। वालकेश्वर के बंगले में फटे पुराने लिबास में जाने का और बीवी को साथ लेके जाने का सवाल नहीं है। इमाम हसन अली शाह के ज़माने में वो बांद्रा में बाकायदा मेहमानी के लिए गए और हम ये कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते कि मौला के दर पे कोई मेहमानी लेके जाए और उसको धक्के मार के मौला के दर से निकाल दिया जाए, ये कभी मुमकिन नहीं है। मौला के दर पे ऐसा कभी होता नहीं है। तो बाज़ औक़ात वाकया कुछ होता है, हम उसको ड्रामाटाइज कर देते हैं। तो उस वाकये के सदाकत के सामने एक सवाल या निशान है। मौला की दुआ और बरकात से मुखी मेघजी की बहुत तरक्की हुई, बॉम्बे के दरखाना जमात के मुखी बने, नया दरखाना जमात खाना 4,32,000 रुपये का बना और 1,00,000 से ज़्यादा अतिया उन्होंने अपनी तरफ से दिया और बहुत सखावत की। औलाद बहुत हुई उनकी, 8 लड़कियां और 4 लड़के, बहुत औलाद हुई मगर एक भी नहीं बची, सिवाय एक लड़की के एक भी नहीं बचती औलाद उसको। एक जवान बेटा हसन अली जो उसका था, आखिरी बेटा बचा था, बड़ा होशियार था, उस पे बड़ा उसको एतमाद था कि ये उसके बाद उसका काम चलाएगा, लेकिन उसकी हयाती में वो बेटा भी गुजर गया। जब उसका वो बेटा गुजर गया तो मौला को रिपोर्ट गई और मौला ने उसको तालिका मुबारक भेजा है 1925 में, पैटर्नल लव एंड ब्लेसिंग्स फीस्ट ओकेजन, खुशहाली के मौके पर दुआ बरकात एंड थैंक्स मैसेज फ्रॉम सेल्फ एंड सन, मेरी तरफ से और शहजादे की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। कन्वे माई डीप सिंपैथी ब्लेसिंग्स मुखी ऑन हिज लॉस, मुखी को उसके बेटे की वफात पे मेरी तरफ से तुम कॉन्डोलेंस पहुंचाओ, सिंपैथी पहुंचाओ। होप वर्क फॉर गुड विल मेक हिम फॉरगेट दिस वेरी सैड लॉस, हमें उम्मीद है कि जो नेक काम वो कर रहा है खिदमत अच्छा काम जो है वो उसको ये दुख भरी याद जो है ये भुला देगा। वो मैंने अच्छा खिदमत का जो उसका नेक काम है उसको जारी रखे। मौला की खुशहाली का एक वक्त था, सारी जमात खुशहाली मना रही थी, मुखी मेघजी का चेहरा बहुत गमगीन था उस दिन, उसके आंखों से आंसू जारी थे। तो मौला अपने 48वें जामे में खुशहाली में शामिल है। मौला ने पूछा मुखी जमात इतनी खुश है, तुम आज इतने गमगीन क्यों हो? कहा खुदाविंद सोचता हूं कि जब मेरा आखिरी वक्त होगा तो मेरे मुंह में न्याज कौन डालेगा, मेरा कोई नहीं, मेरे 12 बच्चे, मेरा एक भी बेटा मेरे पास नहीं रहा, मेरे आखिरी वक्त में कौन मेरे पास होगा? तो मौला ने उससे वचन दिया कि मुखी तुम्हारे आखिरी वक्त में मेरा बेटा तुम्हारे पास होगा। ये एक वचन दिया मौला, तुम्हारे आखिरी वक्त में मेरा बेटा तुम्हारे पास होगा। वो चीफ जमात खाना यानी उस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो पूरी कंट्री का एक ही दरखाना था। नामदा प्रिंस अली सलमान खान 1932 में कराची तशरीफ लाए हैं
उनको रिसीव करने सी ऑफ करने के लिए बॉम्बे दरखाने का मुखी मेघ जी कराची में आया हुआ है। उसकी तबीयत नासाज है और प्रिंस अली सलमान खान उनकी खास पूछा करते रहे तबीयत कैसी है कैसी नहीं। कराची का काम मुकम्मल करके प्रिंस नांदा प्रिंस अली को बर्मा जाना था तो वह हैदराबाद गए और वहाँ से आगे उनको बर्मा की तरफ जाना था तो वहाँ उनको खबर मिली। इस वक्त जो गार्डन जमात खाना है उसके साथ ही एक बंगला था जहाँ मुखी मेघ जी उतरे हुए थे कि उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई है। तो नामदा प्रिंस साहब को रिपोर्ट किया गया हैदराबाद में तो बजाय ऑनवर्ड वो बर्मा जाने के वापस कराची आए और मौला के वचन के मुताबिक मुखी मेघ जी की जब आंखें बंद हुई है उसका जो आखिरी वक्त गुजरा है उस वक्त जमाने के इमाम के शहजादे उनके सिराने पे मौजूद थे। ये एजाज है, ये जमाने के इमाम का कॉल है, ये जमाने के इमाम का वचन है। मौला फरमाते हैं आप जो खिदमत अंजाम देते हैं ये खिदमत गुजार मेरे दिल से बहुत करीब है, हमारी मोहब्बत के बहुत करीब है, हमारी तारीफ के बहुत करीब है, हमारी शफकत के बहुत करीब है। तो जमाने के इमाम खिदमतगारों को खिदमत गुजारों को बहुत नज़दीक रखते हैं, बहुत करीब रखते हैं। और इस दफ़ा मौलाना हाजर इमाम ने अफ्रीका के विजिट में जो फरामीन फरमाए हैं हम में से जितने भी खिदमत गुजार हैं मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज बनता है इंडिविजुअल लेवल पे खिदमत करने वाले इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे खिदमत करने वाले उन फरामीन को बार बार पढ़ने समझने और उन पे अमल करने की ज़रूरत है क्योंकि खिदमत के हवाले से मौला ने एक नई राह हमें बताई है, बस नई बुनियादी बातें मौला ने हमें बताई है। तो जिस मैदान में हम खिदमात अंजाम दे रहे हैं अपनी खिदमात को जारी रखें, ये खिदमात ही है जिससे हम जमाने के इमाम से करीब आते हैं और इमाम की जो गुर्बत है इमाम की नज़दीकी है वही हकीकी माने में जन्नत है इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी। मौलाना हाजर इमाम हम सबको हमेशा अपनी रहमत में रखे, मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब करा।